एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने 10 दिन में किसान कर्ज माफी का वादा किया था। कर्ज माफ नहीं होने पर मुख्यमंत्री बदलने की बात कही गई थी। कांग्रेस की सरकार ने वो वादा नहीं निभाया और ये विडंबना है कि कांग्रेस गरीबी हटाने और कर्ज माफी की बात कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के अपराध बढ़ने के आरोप पर कहा है कि अपराध की बात वो कांग्रेस कर रही है जिसके समय में डाकुओं का राज था। सतना, भिंड, चंबल इलाकों में दहशत रहती थी। पता नहीं कांग्रेसियों को कहां अपराध दिख रहा है। एमपी में किसानों के कर्जा माफी की बात राहुल गांधी ने की थी। कांग्रेस पार्टी कभी भी वादा नहीं निभाती। गरीबी हटाओ से लेकर किसान कर्ज माफी का नारा सिर्फ नारा ही रहा जो कांग्रेस ने दिया। ओबीसी आरक्षण को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ सरकार में कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। उन्होंने कहा कांग्रेस ने सही तरीके से पैरवी के लिए वकील ही नहीं खड़ा किया। उनको पता नहीं कहां से अपराध बड़े दिख रहे हैं कांग्रेस को। वो कांग्रेस, वो दिग्विजय सिंह जी, जिनके समय में मध्य प्रदेश के अंदर डाकुओं का बोलबाला था, ग्वालियर चंबल हो या बिंद का सतना चित्रकूट इलाका हो, ठोकिया से लेकर गड़रिया गैंग तक थी उनके समय में। बालाघाट में उनके समय में मंत्री की घर में घुस के लखीराम कांवरे जी की हत्या नक्सलाइटों ने कर दी थी। मालवा में सिमी का नेटवर्क था। ये तीनों में से एक भी संगठित अपराध शिवराज सिंह की सरकार में नहीं पनप पाए, न नक्सलाइट पनपा, न सिमीपन की, न डाकूपन पे। उसके बाद अपराध कह रहे हैं। घटनाओं को अपराध की श्रेणी में रखें, घटना घटना अलग बात है और संगठित ग्रोह कोई चलाता है वो अलग बात है। अब ये विडम्बना है, इसी मध्य प्रदेश में 10 दिन में कर्जा माफ करने का जिस व्यक्ति ने भाषण दिया था और नई कर्जा माफ करने पर मुख्यमंत्री बदलने की घोषणा की थी, वो व्यक्ति आज कर्जा किसानों की बात कर रहा है, ये बड़ी विडंबना है। आप एक भी वादा जो पार्टी कभी पूरा नहीं करती, गरीबी हटाओ से लेके कर्जा माफी तक, वो रिपीट कर करके इस तरह की बात करते हैं। उनने दिया था क्या? देखो, हम धोखा तो नहीं दे रहे, हमारे मंत्री ने तो कल भी कहा के देंगे, मामला न्यायालय में इनके कारण गया ना। इन्होंने ठीक पास नहीं किया बिल, पहले से ही कमी जान पूछ के रखी, एक साल तक कोई वकील खड़ा नहीं किया, पैर भी नहीं की। स्टे इन्हीं के समय में आया है, कमलनाथ जी के समय में स्टे आया कोर्ट से और समर्थन कर रहे हैं। अजीब हालत है, वो किसान कर्जा माफी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहे हैं। अब मैं इसको राजनीतिक रोटियां कैसे कहूं, ये तो अब कांग्रेस पराठे सेक रही है, पूड़ी तल रही है पूड़ी। झूठ बोलना, लगातार बोलना, एक ही झूठ को कई बार बोलना शायद इनकी फितरत में है। बढ़े हुए बिजली के बिल को लेकर कांग्रेस के आंदोलन को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पहले भी ऐसे आंदोलन कर चुकी है लेकिन इसमें जनता की भागीदारी नहीं होती। कांग्रेस अब डूब की कगार पर है, ये सब बैठकर बस ट्वीट करें। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव में जनहित के मुद्दे नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे अपने दामाद वाड्रा की चिंता करते हैं, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में हुआ है। जनहित की ही चिंता कांग्रेस ने ना तब की थी और ना अब कर रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस की हार तय है। स्थानांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि जिनका स्थानांतरण होगा उनको पालन करना पड़ेगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए एससी में दायर रिपिटिशन में निर्णय दिया गया है कि जो दंडित बंदी पैरोल पर जेल से बाहर हैं, उन्हें आगामी आदेश तक जेल दाखिल नहीं किया जाएगा। देखो भैया, ऐसे प्रदेश स्तर के आंदोलन पहले वो कई बार कर चुके हैं, जनता की भागीदारी कहीं होती नहीं, कांग्रेस कहीं जाते नहीं है। और अब ये अस्ताचल की ओर है सूरज, बैठ के करें और ट्वीट पर ट्वीट करें, इतना पर्याप्त है। देखो, कांग्रेस पर जनहित के मुद्दे तो कभी रहते नहीं है ना। अभी भी उनके जितने आंदोलनों की आप बात कर रहे हो, एक भी जनहित से जुड़ा मुद्दा नहीं है। उनके जो तथाकथित राष्ट्रीय रहनुमा हैं वो
ये इनके पास मुद्दे अलग प्रकार के होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज खरीद लिया उसने अपने दामाद का, मुख्यमंत्री ने, तब मैंने कल कहा था कि वो भी दिल्ली वाले गांधी जी भी अपने बाडरा जी दामाद जी की चिंता करते हैं, ये लोग भी सरकार में आए तो अपने दामादों की चिंता करते हैं। जनहित की चिंता न कांग्रेस ने तब की न अब की, और इसलिए मुद्दा वो कोई भी बनाए कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। स्थानांतरण जो भी सरकार का होगा उस सरकार के आदेश का पालन करना कर्मचारी का कर्तव्य है और दायित्व है, वो पालन करे हम सुनिश्चित करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के में एक रिट पिटीशन दायर थी, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया है कि जो दंडित बंदी पैरोल पर बाहर हैं वो सभी दंडित बंदी सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेश तक जेल में दाखिल नहीं किए जाना है, वो पैरोल पर ही माने जाएंगे। लगभग प्रदेश के अंदर 5,000 दंडित बंदी हैं, आगामी आदेश तक वो जेल से बाहर रखे जाने का आदेश आज हम जारी करेंगे। कोरोना का लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के आज केस बढ़े हैं, कोरोना के 22 नए मरीज मिले हैं, इंदौर में 60 से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन लगभग हो गया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में कोरोना बढ़ता है तो ये बहुत शोर करते हैं, लेकिन केरल और महाराष्ट्र में बढ़ने पर चुप क्यों हो जाते हैं। कोरोना के मामले में आज हल्की सी वृद्धि हुई है, आज 22 नए केस आए हैं, 19 ठीक होके अपने घरों के लिए गए हैं। मैं यहां यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि इंदौर जैसे महानगर में 60% से ऊपर वालों की वैक्सीन 100% के लगभग हो गई है। वहीं दूसरा पक्ष मैं यह भी कहना चाहूंगा उन कांग्रेस के मित्रों से कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जब कोरोना के केस बढ़े तो आपने हाहाकार मचा दिया इंटरव्यू दे दे के, अब केरल में और महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं तो खामोशी क्यों है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।